हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस रेनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका एक स्पेशल टारगेटेड टेस्ट सीरीज है, जो बिहार एसआई को मैंने टारगेट करके बोला था, मैंने बनाया है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ बिहार एसआई के लिए नहीं है, ये आपका एसआई का मेंस है, बीएसएससी, इसमें जो इंटर लेवल के आप कैंडिडेट्स हो उन सभी के मेंस के लिए भी यहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको शाम वाला टेस्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि शाम में आपका जो इजी वाला पोर्शन है वो सारे भी रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का रिविजन हो रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपका तैयारी और बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। और सुबह वाला जो वन लाइनर जो स्टार्ट होने वाला है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों कर लेते हो ना, तो आपका जो जीके का पोर्शन है वो बहुत अधिक स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सुबह वाला वन लाइनर जो है उसमें जो आपका पारंपरिक जीके है, मैंने उसका जो थंबनेल है वही मैंने वहीं पे रखा हुआ है कि पारंपरिक जीके का कलेक्शन, ठीक है, जो अभी तक पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को वहां मैंने कलेक्ट किया है। तो अगर आपको जीके में बहुत ही बेहतर तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको ये तीनों सेट एक साथ लगाना पड़ेगा, और तीनों पर डे आपको लगाना पड़ेगा, एक भी अगर मिस हुआ तो आप बहुत चीज पीछे, बहुत जगह पीछे हो जाओगे, ठीक है। ये जो है बिहार एसआई मेंस, बीएसएससी मेंस, और बीएसएससी का ग्रेजुएशन लेवल का भी आपका फॉर्म इस साल के अंत तक जरूर आएगा, ठीक है, तो उसको भी आप टारगेट करो। और बीपीएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल के भी होंगे, मीडियम लेवल के भी होंगे और लो लेवल के भी होंगे, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन से डर ना लगे, ठीक है। ये तीनों एग्जाम को जो टारगेट कर रहे हो, जो प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए ये सेट बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। चलो, आज हमारा पहला टेस्ट है, इसलिए मैंने ये सब चीज बताया आपको, ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि आपको स्किप नहीं करना है, आपको पर डे टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो चलिए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे जोश के साथ, पूरे मन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। और अब आपके सामने आने वाला है आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस सदी में हुई थी? रामायण की रचना किस सदी में हुई थी, जल्दी बताओ, किस सदी में हुई थी? ये हुई थी पांचवीं सदी ईसा पूर्व में, ठीक है। कब हुई थी? पांचवीं सदी ईसा पूर्व में। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अच्छा, अगर श्लोक्स की संख्या का बात करें, इसमें कितने श्लोक्स हैं, तो अगर इनिशियली आपसे पूछा जाए शुरुआती दौर में कितना श्लोक था इसमें, तो इनिशियली इसमें 6000 श्लोक था, ठीक है। फिर ये 6000 से 12000 श्लोक हुआ, और 12000 से अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कितना होगा, 24000 श्लोक। ये तीनों आपको याद रखना है, शुरुआत में 6000, फिर हुआ इसका बीच में 12000, और अभी वर्तमान में 24000 श्लोक इसमें हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में मूलतः कितने श्लोक थे? अभी रामायण के बारे में आपने देखा, अब बताओ महाभारत में मूलतः कितने श्लोक थे? तो मूलतः महाभारत में 8800 श्लोक थे। कितने थे? 8800 श्लोक। अगर महाभारत की रचना का बात करें, तो ये लगभग 4th century BC में इसकी रचना हुई थी, और वेदव्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी, और इसमें मूलतः जो था वो था 8800 श्लोक, फिर ये 8800 से 24000 हुआ, और अभी वर्तमान में इसमें 1,00,000 है। कितना है? 1,00,000 श्लोक इसमें है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के त्रिपिटक में किस पिटक, त्रिपिटक में से किस पिटक में बौद्ध मठ में रह रहे भिक्षुओं के अनुशासनों से संबंधित नियमों की जानकारी मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। बौद्ध का आप जानते हो 3 पिटक है, जिसको हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तीनों पिटक में से आपको बताना है किस पिटक में जो भिक्षु हैं, ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनके अनुशासनों से संबंधित नियमों का जानकारी मिलता है। तो कौन सा है वो? वो है आपका विनय पिटक। कौन सा है? विनय पिटक। अगर देखो, 3 पिटक कौन कौन सा है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक में क्या है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। शुद्ध पिटक में क्या है? इसमें बुद्ध के दिए गए उपदेशों का सार है। क्या है? उपदेश। अगर उपदेश के बारे में पूछा जाए तो शुद्ध पिटक होगा, ठीक है। विनय पिटक में क्या है? जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके अनुशासनों से संबंधित नियम दिए हुए हैं, ठीक है। और अभिधम पिटक का बात अगर किया जाए, तो अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शनों का जो दार्शनिक व्याख्या है वो किया गया है। तो अभिधम पिटक से आपको याद रखना है, दार्शनिक कीवर्ड याद रखो,
विनय पिटक से क्या है अनुशासन संबंधी नियम, और सूत पिटक में क्या है उपदेश। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आपको याद हैं तो फिर आपका ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कथा वस्तु किस धर्म की प्रमुख ग्रंथ में से एक है। जल्दी बताओ, कथा वस्तु किस धर्म की प्रमुख ग्रंथ में से एक है, किसका है ये? तो ये है हीनयान। किसका है? हीनयान। आप जानते हो जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बढ़ चुका है, हीनयान और महायान। ठीक है, तो उसमें से हीनयान का एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है कथा वस्तु। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य आगम के अंतर्गत कितने महत्वपूर्ण अंग आते हैं? जल्दी बताओ, जैन साहित्य आगम के अंतर्गत कितने महत्वपूर्ण अंग आते हैं? देखो, इस सीरीज में आपका सारा क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आएंगे और सारा आपका एक तरफ से क्लियर होता जाएगा। जल्दी बताओ, जैन साहित्य का अगर बात करते हैं तो उसमें आगमों की संख्या जो है टोटल वो है 12। ठीक है, मैंने पहले भी आपको किसी ना किसी सेट में ये बताया होगा, आगम जो है इसमें आगम क्या है, आगम है जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं और उसमें अंग है टोटल 12। ठीक है, कितने अंग हैं? 12। उपंग कितने हैं? 12, ये भी याद रखना। ठीक है, और प्रकीर्ण कितना है? तो प्रकीर्ण है 10, और छंद सूत्र कितना है? 6। यही पांच क्वेश्चन यहां से बनता है। फिर से एक बार सुन लो, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। दूसरा है, आगम में जो अंग है उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या है 12। अंग के बाद आता है उपंग, उपंग की संख्या कितनी है? उपंग की संख्या भी है 12, और प्रकीर्ण की संख्या है 10, और छंद सूत्र की संख्या है 6। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि नाम तो आपने सुना ही होगा, अब आपको यह बताना है किसके पुरोहित पतंजलि हुए। तो पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। किसके थे? पुष्यमित्र सुंग के। और इनका एक बहुत ही फेमस बुक है, क्या नाम है जल्दी से बताओ, इनका बुक एक बहुत ही फेमस है जल्दी से बताओ। तो इनके बुक का नाम है महाभास। क्या नाम है? महाभास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शूद्रक रचित मृक्षकटिकम हमें किस काल की सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्रदान करता है? शूद्रक ने लिखा है मृक्षकटिकम, अब आपको यह बताना है कि यह मृक्षकटिकम किस काल की सांस्कृतिक इतिहास का जानकारी हमें देता है। क्या हुआ इस टेस्ट में, सबको धराशायी हो गए? चलो जल्दी से जवाब दो, मृक्षकटिकम में किस काल का आपको मिलता है जानकारी? तो आपको गुप्त काल का मिलता है। किसका मिलता है? गुप्त काल का जानकारी आपको मृक्षकटिकम में मिलता है, और मृक्षकटिकम लिखा गया है शूद्रक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की दशा का विवरण नामक पुस्तक किसने लिखा है? भारत की दशा का विवरण, ये एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और नाम तो आप जान ही रहे हो इनका जिसने लिखा है, भले ही आप ये नहीं जान रहे हो ये बुक उन्हीं का है। जल्दी बताओ, तो नाम है फाहयान। ठीक है, फाहयान का नाम कौन नहीं जानता है, तो फाहयान इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है भारत की दशा का विवरण। और फाहयान और वेनसांग दो ऐसे यात्री हुए, चाइनीज यात्री जो भारत आए, और बहुत ही इनके अलावा भी बहुत सारे चाइनीज यात्री आए लेकिन इनका नाम तो हर कोई जानता है। ठीक है, फाहयान किसके काल में आया, तो वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया, तो फाहयान ऑटोमेटिकली चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयोगन ने भारत की यात्रा कब की थी? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, संयोगन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 518 ईस्वी में संयोगन ने भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, डायनोसियस किसका राजदूत था जो मौर्य नरेश अशोक के दरबार में भारत आया? डायनोसियस किसका राजदूत था, ये आपको बताना है। आपको ये यहां पे दिया हुआ है कि मौर्य नरेश अशोक के दरबार में भारत आया था, लेकिन ये राजदूत किसका था? किसका राजदूत था? ये था टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत। किसका था? टॉलमी फिलाडेल्फस। ठीक है, ये यूनानी शासक था और इसका राजदूत था डायनोसियस। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी का मूल नाम क्या था? अलबरूनी का मूल नाम क्या था? क्या था अलबरूनी का मूल नाम? तो ये था याकूब। क्या था अलबरूनी का, सॉरी याकूब नहीं, अब्बू रेहान। क्या नाम था? अब्बू रेहान। ठीक है, अलबरूनी का मूल नाम था अब्बू रेहान, और महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया था, ये भी आपसे पूछा जाता है अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया। और इसका एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है किताब उल हिंद।
क्या नाम है, किताब उल हिंद, ये किसका बुक है, अलबरूनी का बुक है, ठीक है। और इसके साथ ही एक और बुक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो है तहकीक ए हिंद, क्या है, तहकीक ए हिंद, ठीक है। ये आपके पिछले बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तहकीक ए हिंद, ये किसका बुक है, अलबरूनी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, कंगयूर और तंगयूर ये दो ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी रचना की गई थी तारकनाथ के द्वारा। तारकनाथ ये एक तिब्बत यात्री था, ठीक है, जो भारत आया था, और इन्होंने ही पांड के समय में ये शायद भारत आए थे, ठीक है, और इन्होंने ही जो बुक है कंगयूर और तंगयूर ये लिखा है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के कमी के कारण घाव देरी से भरता है, ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए एक आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, किस विटामिन के कमी के कारण घाव देरी से भरता है, तो यह है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वह घाव भरने का काम करता है, आपका घाव भरने का स्पीड जो है वह इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर विटामिन सी की कमी है तो घाव देरी से भरेगा। अगला क्वेश्चन है, मेंढक में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव का गुणसूत्र तो आपको पता है कितना होता है, 46, लेकिन अभी बताना है आपको मेंढक का कितना गुणसूत्र होता है मेंढक में, तो मेंढक में टोटल 26 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूबेला वैक्सीन किस रोग के लिए दिया जाता है, जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, रूबेला वैक्सीन किस में दिया जाता है, छोटी माता में रूबेला वैक्सीन दिया जाता है, छोटी माता जर्मन खसरा, ठीक है, ये बीमारी है जिसमें रूबेला वैक्सीन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग और पेचिस के चिकित्सा का आविष्कारक कौन है, प्लेग और पेचिस के चिकित्सा का जो आविष्कारक है वो कौन है, कौन है वो है कीटा जाटू, ठीक है, कीटा जाटू ने प्लेग और पेचिस के चिकित्सा का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा विटामिन सी का खोजकर्ता बताओ, फंक महोदय ने क्या किया है, फंक ने किया है विटामिन का खोज, लेकिन मैं यहां पे पूछ रहा हूं विटामिन सी का खोजकर्ता, विटामिन सी का खोजकर्ता कौन है, जल्दी बताओ, ये हैं आपके होलकर, कौन है, होलकर, ठीक है, पूरा नाम है इनका क्या नाम था, पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, ठीक है, कुछ नाम था योजक्ट होलकर करके इनका नाम है, लेकिन मुझे याद है होलकर, ठीक है, आपको भी याद रखना है, होलकर याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1816 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली बंगाल गजट के संपादक कौन थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है, 1816 में प्रकाशित होने वाली बंगाल गजट के संपादक, अब देखो आधे से अधिक बच्चों को लग रहा है जेम्स हिक्की, ठीक है, यानी जेके हिक्की, लेकिन ये है नहीं आपका आंसर, ये गलत है, ठीक है, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है गंगाधर भट्टाचार्य, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है 1816, ये आपके लिए काल बन के आया है, पता है काल क्यों बना है, क्योंकि आपने जो जेम्स हिक्की सोचा वो है 1780, ठीक है, 1780 में पहली बार बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया, जो भारत का प्रथम न्यूज़पेपर भी माना गया, ठीक है, और ये किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा, क्लियर है, अंग्रेजी भाषा का ये पत्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया 1816, तो 1780 में जेम्स हिक्की ने जरूर चलाया था, लेकिन फिर बाद में इसको बंद कर दिया गया था, और दोबारा 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली कौन थे, जल्दी बताओ, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था, पहला पुर्तगाली आप सभी जानते हो, अब आपको बताना है दूसरा पुर्तगाली कौन था, कौन था दूसरा पुर्तगाली, तो दूसरा पुर्तगाली था पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, कौन था, पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, ये था भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली, और पहला पुर्तगाली कौन है, तो वास्को डी गामा, ठीक है, और जो ये दूसरा पुर्तगाली है पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, ये कब आया था, ये आया था 1500 ईस्वी में, और पहला कब आया था 1498 ईस्वी में, यानी 1498 में, वो था वास्को डी गामा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने लक्ष्मीबाई की बहादुरी से प्रभावित होकर कहा था कि लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी, लक्ष्मीबाई की बहादुरी से प्रभावित होकर इस शख्स ने कहा था कि लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी, जल्दी बताओ किसने कहा था, ये कहा था यूरोज ने, यूरोज ये अंग्रेजी सेनापति थे, ठीक है, और इनका सामना हुआ था लक्ष्मीबाई से, और लक्ष्मीबाई
लास्ट में ये मृत्यु को प्राप्त हुआ था, इनको मृत्यु प्राप्त हुआ था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने इनको मार नहीं पाया था, अंग्रेज इनको नहीं मार पाए थे, वो घायल हो चुकी थी। और फिर बाद में बहुत सारा स्टोरी है, अलग अलग स्टोरी है, एग्जैक्टली नहीं पता है किसी को, लेकिन ये पता है कि अंग्रेजों ने इनको नहीं मारा था, इन्होंने खुद को शायद आग लगा लिया था, ठीक है, वो खुद जल गई थी और अंग्रेजों से वो बच गई थी। लेकिन इनका जो सामना हो रहा था हीरोज ने, उन्होंने इनकी बहादुरी को देखते हुए कहा था, लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के सदस्य अपने बीच से ही किसी एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे, ऐसा कहा गया है, जल्दी बताओ। आप जानते हो लोकसभा में उनके बीच से ही एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन आपको बताना है यहाँ अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया जाता है, यह है अनुच्छेद 93, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए, जल्दी बताओ। आधे से अधिक लोग तो जीवी मावलंकर करके बैठे हो, अरे यार ये गलत है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये जो डेस्ट्रीज स्टार्ट हुआ है ना, ये आपका बस अंदर बाहर पूरी तरह से खंगालने के लिए है, आपने कितना ऊपर ऊपर पढ़ा है, कितना अंदर से पढ़ा है, ठीक है, पूरी तरह से खंगाल के मैं यहाँ रुक दूंगा एक मंथ में, टेंशन ना लो। देखो लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष है और आपने जो आंसर किया वो है अध्यक्ष, ठीक है, इसलिए आपका हो गया गलत। उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम, कौन थे, अनंत शयनम आयंगर, इनका पूरा नाम था अनंत शयनम आयंगर, ठीक है। यह बीपीएससी में अभी तक 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि संसद में निम्न में से किन विधेयक या विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व समिति, समिति नहीं है, सम्मति है, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है, पूर्व सम्मति की आवश्यकता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, फिर मैं सारा पॉइंट्स दिखाता हूँ। क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो भी आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट में से आपको वो स्टेटमेंट चुन के निकालना है या वो स्टेटमेंट्स चुन के निकालना है जिसको बेस करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, क्लियर है। अब आप स्टेटमेंट्स पढ़ो और फिर बताओ सही आंसर क्या होगा। क्या क्या है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है नए राज्यों के निर्माण से जुड़े विधेयक, दूसरा है वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन से जुड़े विधेयक, तीसरा है धन विधेयक, चौथा है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का विधेयक। चलो जल्दी बताओ कहाँ गए वो सब जिनको शाम वाला टेस्ट आसान लगता था 8:30 बजे वाला, जल्दी से सामने आओ और आंसर करो। क्या होगा आपका सही आंसर, इनमें से कौन सा ऐसा विधेयक है या कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिनको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत है, तो आपका सही आंसर है वो है बी, ठीक है, यानी 1, 2, 3। देखो कुछ ऐसे विधेयक हैं, इसको आज नोट डाउन कर लो आप लोग, याद रखना है इसको, कि जब भी कोई नए राज्य का गठन करना हो या राज्य से रिलेटेड कोई भी विधेयक हो जिसमें राज्य का सीमा परिवर्तन हो या कुछ भी ऐसा हो जो ब्रॉड केस का आपको केस लगता है, तो वो हो जाएगा बिना राष्ट्रपति के परमिशन का पेश नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका धन विधेयक, धन विधेयक अगर लाना है तो धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है संचित निधि में व्यय, संचित निधि में व्यय अगर करना हो तो पहले राष्ट्रपति का परमिशन का जरूरत होता है, ठीक है। उसके बाद है राज्यों के मध्य अगर व्यापार से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी न्यू चीज लाना करना हो या फिर व्यापार चल रहा हो उसको निलंबित करना हो, इस तरह का अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो फिर राष्ट्रपति के परमिशन की जरूरत है। और ऐसे ऐसे चीज जहां पे राज हित से जुड़े हुए कोई कराधान करना हो यानी टैक्स इंपोज करना हो किसी राज्य में स्पेशली, याद रखना टैक्स इंपोज करना हो किसी राज्य में स्पेशली और उस राज्य के हित में हो, तो ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति के परमिशन की जरूरत है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, संयुक्त बैठक अगर करनी हो तो उससे पहले राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत है। तो टोटल मैंने आपको 6 पॉइंट बताया, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार रिवाइंड करो फिर से, अभी तो आप नहीं कर पाओगे, बाद में टेस्ट खत्म होने के बाद आप रिवाइंड करना और फिर से इसको नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जानते हैं, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जानते हैं, कौन सा नदी है वो, चलिए बताओ कौन सा नदी है, वो नदी है बनास नदी, ठीक है। ये अरावली की पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान के वन की आशा के रूप में ये विख्यात है।
अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में उत्सर्जक छिद्र को डैश के रूप में जाना जाता है। पैरामीशियम में उत्सर्जक छिद्र जो होता है यानी एक्सक्रीटरी पार्ट जो उसका है, उसको किस रूप में हम लोग जानते हैं, किस रूप में, उसको साइटोपोइज के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से? साइटोपोइज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता मुख्य रूप से निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तालाब पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। किसी भी अगर पारिस्थितिक तंत्र की स्टेबिलिटी का अगर बात किया जाए तो वह उसके उत्पादक और उपभोक्ता पर निर्भर करेगा। इसको आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो समझो, अगर खाना बनाने वाला 2 है और खाना खाने वाला 200 है तो यहाँ पे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगा, ठीक है। यानी बनाने वाला और खाने वाला दोनों में अगर इक्वेशन अगर ठीक ठाक चल रहा है तो ही वहाँ का स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा, ठीक है। वही आपका हुआ उत्पादक जो प्लांट्स वगैरह हैं और उपभोक्ता जो उस पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? चलिए बताओ, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एपो एंजाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है और आपको ये क्वेश्चन जो शाम वाला सेट चलता है वहां पे मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। एपो एंजाइम कहा जाता है जो प्रोटीन में एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय का क्या आशय क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषी जो आशय होता है यानी प्रकाश संश्लेषी तंत्र जो होता है बैक्टीरिया में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वर्न किल्वक, यानी इंग्लिश में इसको अगर मैं बोलूं तो क्रोमेटोपोर। क्या कहा जाता है? क्रोमेटोपोर, ठीक है, क्रोमेटोपोर कहा जाता है या वर्न किल्वक कहा जाता है, जो बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी तंत्र होते हैं, ठीक है। और इसमें दो चीज होता है, एक बैक्टीरियोफिल होता है और कैरोटीनॉइड होता है। क्या होता है? अगर हम लोग क्रोमेटोपोर का बात करें तो क्रोमेटोपोर में दो चीज होता है, एक होता है बैक्टीरियोफिल और दूसरा होता है कैरोटीनॉइड, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक ओर से श्रीनगर और दूसरी ओर से कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है, यानी एक तरफ है श्रीनगर और दूसरी तरफ है कारगिल और लेह, इसके बीच में महत्वपूर्ण सड़क मार्ग कौन अवेलेबल करवाता है? कौन है वो? वो है जोजिला दर्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति करने को डैश संदर्भित करता है। मनुष्य में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति, ये क्या कहलाता है? अगर पर्याप्त रूप से रक्त नहीं मिल रहा है मनुष्य के शरीर को, इस बीमारी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इस्केमिया। क्या कहा जाता है? इस्केमिया, ठीक है। क्या कहा जाता है? इस्केमिया। इसमें ऑक्सीजन का भी शॉर्टेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री के द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह क्या गया था? महबूब उल हक के द्वारा। किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा, और यह एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष हुआ? रुपया का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था? कब हुआ था जल्दी बताओ? यह हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। और अभी हाल ही में आपका डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, तो इससे रिलेटेड आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? किसके सहयोग से? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? आसान सा क्वेश्चन है, किससे है कृष्ण क्रांति का संबंध? तो खनिज तेल के उत्पादन से, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के उत्पादन से संबंधित है आपका ब्लैक रिवॉल्यूशन या कृष्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहारी के संपादक कौन थे? जल्दी बताओ, बिहारी के संपादक कौन हुए? कौन हुए बिहारी के संपादक? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद हुए, जो बिहार का एक प्रमुख समाचार पत्र था बिहारी, उसके संपादक।
अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? चारों में से बताना है, चार तो है नहीं, तीन है आपके पास, इन तीनों में से बताना है किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है और बिहार से ये बहती है। कौन सा नदी है वो? वो नदी है सोन नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? जल्दी बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट से आपका। आपको बताना है कि किस राज्य में वन जो आच्छादित क्षेत्र है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है पहले, ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है सबसे वन ज्यादा कहाँ है, आपसे ये पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा वन में इंक्रीमेंट कहाँ हुआ है। अगर पहले एक किलोमीटर वन था तो अब एक से बढ़ के डेढ़ किलोमीटर या दो किलोमीटर कहाँ हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। कहाँ पे 10 किलोमीटर क्षेत्र में वन फैला हुआ है ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? तो आपका सही आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, जो वन क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक इंक्रीमेंट कहाँ हुआ है, सबसे अधिक इंक्रीमेंट हुआ है कर्नाटक में, और इसके बाद दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, तीसरा स्थान है केरल का। ये तीन कम से कम याद रखो, पहला स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक वन बढ़ा है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है केरल। लेकिन मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ है? तो आप सभी जानते हो मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है वो है एमपी, ठीक है, और अभी भी इसका रैंक बरकरार है। और इसके बाद किसका पोजीशन है? इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, और तीसरा पोजीशन किसका है? छत्तीसगढ़ का। चौथा पोजीशन किसका है? ओडिशा का। ये चार कम से कम आप याद रखो, सबसे अधिक है मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, उसके बाद है ओडिशा। ठीक है, अगर वन स्थिति रिपोर्ट का बात किया जा रहा है तो इसका अगर बात किया जाए तो कितने वर्षों के अंतराल पे ये रिपोर्ट पेश किया जाता है? तो ये दो वर्षों के अंतराल पे ये रिपोर्ट पेश किया जाता है, और 2019 में अगर ये रिपोर्ट आया तो ये 2021 तक वैलिड होगा, 2021 में फिर दोबारा इसका रिपोर्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? आसान सा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार इसको रिपीट करवाया है, और अगर अब भी भूल रहे हो तो मैं फिर हड्डी तोड़ दूंगा, टेंशन ना लो, हड्डी तोड़ने का उपाय मेरे पास है, हथौड़ा निकालूंगा, मार दूंगा कहीं पे भी, हड्डी तो टूटना तय है। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा क्रिस्टीना कोच। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा, अगर कोई भी एक भी बंदा निकला जिसने ये आंसर नहीं किया था तो सोच लो उसका हड्डी तो मैं जरूर तोड़ूंगा। क्रिस्टीना कोच ये टोटल 328 दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी और ये है सबसे अधिक अवधि तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है? रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में की गई है? जल्दी से बता दो किस राज्य में की गई है। तो ये है हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा राज्य में की गई है। क्या है रिपोर्ट का नाम? रन थ्रू फाइल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? ये रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा? यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, और किसको पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे है भारत? तो वो है जर्मनी। अभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी नहीं, और 2026 तक भारत इसको पछाड़ देगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित अर्थ शॉर्ट पुरस्कार से संबंधित है। अर्थ शॉर्ट पुरस्कार आपको बताना है किस फील्ड से ये संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से ये संबंधित है। ठीक है, और ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज इसके द्वारा ये दिया जाता है, और अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विजडन ने दशक की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है? विजडन ने दशक की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में इनमें से किसको शामिल किया है? किसको शामिल किया है? यह है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, दो प्लेयर को शामिल किया गया है विजडन के द्वारा दशक की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में, और वो है जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली। भारत के ये दो प्लेयर इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, दोनों का नाम आपको याद रखना है।
और इसके कैप्टन कौन है? एरोन फिच। कौन है कैप्टन? कैप्टन है एरोन फिच, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? किया गया, ठीक है, जाएगा नहीं होगा, किया गया। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया, जल्दी बताओ कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था गुवाहाटी में। कहाँ किया गया था? गुवाहाटी में, ठीक है। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो गुवाहाटी स्थित है, याद रखना है, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में भी स्थित है, और अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो दिल्ली ही आपका आंसर होगा, लेकिन इंदिरा गांधी स्टेडियम गुवाहाटी में भी है, और वहाँ पे तीसरा खेलो यूथ इंडियन यूथ गेम्स आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डे नलम के तहत गठित महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद अब डैश पर उपलब्ध होंगे, जल्दी बताओ। ये डे नलम जो है ये एक स्कीम है, नलम नहीं है, नलम है, डे नल, डे एन यू एल एम, इसका फुल फॉर्म क्या है, किसी को आता है जल्दी बताओ क्या है इसका फुल फॉर्म? ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। और एन यू एल एम का फुल फॉर्म क्या हुआ? ये तो डे का फुल फॉर्म हुआ, दीनदयाल अंत्योदय योजना। एन यू एल एम का फुल फॉर्म ये हो गया नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। क्या है? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। और डे का क्या हुआ? दीनदयाल अंत्योदय मिशन, ठीक है, योजना, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि इस स्कीम के तहत महिलाओं के द्वारा जो भी प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा वो कहाँ अवेलेबल होगा? तो वो फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? 2019 में ये घोषणा किया गया था कि अब उस देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वो देश है पलाऊ। कौन सा देश है? पलाऊ। अगला क्वेश्चन है, शिकायतों के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह भी मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, जल्दी से बताओ। शिकायतों के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम है संतुष्ट पोर्टल। क्या नाम है? संतुष्ट। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे? बहुत सारे बच्चों के शकल पे एक मुस्कान आया, चलो यार कम से कम ये क्वेश्चन तो कर पाया, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार पढ़ा है। क्या है आंसर? आपका आंसर है मनी। मनी ऐप जो है यह दृष्टिबाधित लोगों को करेंसी नोट पहचानने के लिए एक ऐप है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है, और वो दिन है 28 दिसंबर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? आंसर होगा अरुण जेटली, ठीक है। 28 दिसंबर को अरुण जेटली, जो अरुण जेटली का जयंती है, ठीक है, उसको हर साल राजकीय समारोह घोषित किया है। किसने? तो बिहार सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? CDS का अभी हाल ही में गठन हुआ है, और हमारे जो पहले CDS हैं वो हैं बिपिन बाबू, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इनका जो सर्विस होगा वो कितने सालों तक होगा, इनकी उम्र क्या होगी, अधिकतम सीमा उम्र क्या, उम्र सीमा क्या होगी? ये होगी 62 वर्ष, ठीक है, 62 वर्ष तक वो कार्यरत रह सकेंगे। 65 वर्ष, ठीक है, पहले था 62 वर्ष, सॉरी, पहले था 62 वर्ष, अब हो गया 65 वर्ष, ठीक है, पहले था 62 वर्ष, क्लियर कर लेना इसको, और अब हो गया 65 वर्ष, तो सही आंसर आपका होगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ? इसमें तो आप लोग तुक्का खेल जाओगे, मुझे पता है, जल्दी से बताओ, भले ही पता किसी का ना हो लेकिन तुक्का सब खेलोगे इसमें, मुझे पता है, और आप लोगों का 99% का तुक्का जो है वह सही होगा, क्योंकि आप सभी ने तुक्का लगाया भारत, ठीक है। तो यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 2020 में जो नववर्ष के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों ने जन्म लिया वो देश है भारत, ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप
50 क्वेश्चंस जो हमारे टेस्ट सीरीज में आया, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को नजर रखते हुए ये सेट बनाया गया है। ठीक है, अब एग्जाम में कभी क्वेश्चन इजी भी आता है, कभी टफ भी आता है। आज का सेट आप लोगों को टफ लगा होगा, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका इजी टफ मिक्स्ड वर्सन आते रहेगा। ठीक है, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, बस आपको सीखते जाना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्वालिटी कैसा है। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल ना लो, आपका तैयारी बिल्कुल पूरी शिद्दत से होगी। और शाम वाला टेस्ट भी आप लगाते जाओ, वहां पे हम लोग 100 क्वेश्चंस कवर करते हैं, इस कारण से आपका जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो वहां पे अधिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ये आपका बीपीएससी एग्जाम तक को टारगेट करके बनाया गया है। ठीक है, तो आप सभी इस पूरे सेशन को एंजॉय करो और अच्छे से मन लगाकर पढ़ो, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके करो, क्योंकि आप सभी का डिमांड है पीडीएफ का। तो मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से इस पर साइलेंट था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं पीडीएफ दे दो सर, पीडीएफ दे दो, लेकिन पीडीएफ मैं नहीं दूंगा। पीडीएफ मैं तभी दूंगा जब पर डे कम से कम 1000 बच्चे लाइव क्लास लेंगे, तभी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब ये सब आपकी जिम्मेदारी है, आपको पीडीएफ चाहिए तो इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और कमेंट में मुझे जरूर बताओ आपको सेट कैसा लगा। और कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।